इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मैं चाहता हूं इसको आप भी पढ़िए, पंजाबी में भी एक जन पढ़ दीजिएगा, जिसके पास पंजाबी है उस तक माइक ले जाइए। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करना और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय से गवाया है वही बहुत हुआ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुच्चपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वह बुरा भला कहते हैं। पर वह उनको जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। ये थोड़ा सा हैवी ड्यूटी वर्ड है, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप घर जाके कम से कम इसको 10 बार पढ़िएगा। ये बहुत भारी, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला कलाम है। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़िएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, तेरा कलाम हम लोगों के दिल के अंदर बैठ जाए पिता, और हम खुदावन जो छुटकारा, जो आशीष, जो बरकत तूने हमारे लिए रखी है, यहाँ पर इन सुनने वालों के लिए रखी है परमेश्वर, वो इन लोगों की ज़िंदगी का सबब बन जाए। प्रभु आप हमारी बुद्धि को खोल दें, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे सेंसेस प्रभु तेरे वचन के लिए खुल जाएं, और हमारा दिल परमेश्वर एक उपजाऊ भूमि बने जहाँ पे आपका वचन बोया जाए और हम बरकतें पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। यहाँ पर अगर आप पतरस की लिखाई को समझना चाहते हैं, तो जिसने ये इंजील लिखी या खत लिखा, हमने उस पतरस को समझना पहले ज़रूरी है। तो जो पतरस था वो परमेश्वर का चुने हुए एक खास चेले में से था। इनफैक्ट द फर्स्ट अपोसल जिसको परमेश्वर ने चुना वो पतरस था। पतरस यानी इसका नाम कैफा बोला जाता था, और जब परमेश्वर में ये आया तो इसका नाम साइमन पीटर हो गया। पतरस एक मछुआरा था, काम करने वाला था, और जब पतरस काम कर ही रहा था, अपने काम के बीच में से परमेश्वर ने उसको चुना। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जब वो अपने काम के बीच में होते हैं परमेश्वर उनको चुनता है। एलिशा को भी तब चुना गया जब वो बारह बैलों की जोड़ी के पीछे चल रहा था। परमेश्वर कई बार उन लोगों को नहीं चुनता जो अपने बिस्तर पर लेटकर ख्याली पलाव पका रहे होते हैं। कई बार वो लोग छूट जाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो काम कर रहे होते हैं। और कई बार काम के बीच में से आप देखोगे परमेश्वर बात करता है। मूसा से परमेश्वर ने कब बात करी? जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। गिदियोन से परमेश्वर ने कब बात करी? जो अपने गेहूं को वो छुपाने में लगा हुआ था। तो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि जो पास्टर बनना है या सेवक बनना है वो खास लोगों के लिए है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये जो आम लोग हैं यही खास बन जाते हैं। परमेश्वर आपके जो स्किल्स हैं, जो अभी सिस्टर नेहा बता रहे हैं, वो स्किल्स बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। वो आपके काम में आपको, कई लोग बोलते कन्फ्यूज है मेरी बुलाहट क्या है, मैं अपनी बुलाहट नहीं जानता। आप अपनी ज़िंदगी को बड़े ध्यान से देखो, आपको आपकी बुलाहट पता चल जाएगी। कई बार हमें पता ही नहीं हमारी बुलाहट क्या है। आप अपने काम करने के तरीके, बात करने के तरीके, उठने बैठने को देखो, आपको मालूम चल जाएगा परमेश्वर ने आपको क्यों चुन के अलग किया है। पतरस मच्छी पकड़ रहा था, और वहां से प्रभु यीशु उसको पकड़ता है और कहता है कि मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। इतनी सी बात, कोई सैलरी
बात नहीं हुई, तुझे कहाँ घर मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ये बंदा अपना चलता हुआ बिजनेस, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि चलते हुए बिजनेस को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर पे वो जो मच्छी पकड़ने वाला हो। एक आप कभी, खुदा ने ऐसा मौका दिया कि आप कभी गोवा गए, तो वहाँ पर आप जाके चेक करना कि मच्छी का बिजनेस कितना बड़ा होता है। बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़े नाव खरीदनी पड़ती है, चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है। उनके टाइम्स होते हैं, उन्होंने लेबर्स रखे हुए होते हैं, नाव को मेंटेन करना, जालों को मेंटेन करना, ये कोई मतलब दो तीन आदमियों का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम लगती है। और वहाँ से परमेश्वर प्रभु यीशु पतरस को बोलता है कि तेरे को मैं मच्छी पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक मच्छी पकड़ने वाले को मनुष्य को बनाने वाले में, मनुष्य को पकड़ने वाले में बदलाव हो गया। और पतरस जो है प्रभु यीशु के साथ चलने लगता है, उसकी सेवकाई में साथ रहता है। पतरस के जीवन में जीवन इसलिए ख़ास है क्योंकि उसने हीलिंग को अपनी आँखों के सामने देखा। उसकी सास जिसको बुखार था और जो मरने पर थी, प्रभु यीशु गया और उसने उसको हील किया। पतरस ने लाजर का जिंदा होना देखा। पतरस ने 5,000 को खिलाया जाना हुआ देखा। पतरस ने वो डोलती हुई नाव देखी। मगर पतरस की एक खास बात थी कि पतरस बहादुर था। नाव के अंदर 12 जन मौजूद थे और 12 जन एक जगह के ऊपर जा रहे थे। 12 में से एक हिम्मत भी नहीं हुई जब यीशु पैदल चलता हुआ आया, वो नाव से बाहर आए। पतरस शरीर में नाव से बाहर आया और वो पानियों के ऊपर चलने लगा। बेसिकली अगर आप देखें तो पतरस और प्रभु यीशु एक ही लेवल पर थे। जो काम प्रभु यीशु कर रहे थे, पतरस ने जब एतबार करके नाव के ऊपर बाहर पांव रखा, तो पतरस और यीशु मसीह लेवल पर आ गए। और यही पतरस है जो यीशु मसीह को डांट कर कहता है कि नहीं, तू नहीं मरेगा। यीशु उसको झिड़कता है और कहता है मेरे पीछे हट जा। यही पतरस है जब यीशु चेलों के पांव धो रहा था, कहता है कि नहीं मालिक, मुझे एक बार और नहला। पर वो यीशु कहते हैं जो नहा चुके हैं उनके पांव धोना ही काफी है, मतलब बड़बोला भी था। यही पतरस है जब लोग यीशु को पकड़वाने आए, तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और गार्ड एक व्यक्ति के कान को काट दिया, और परमेश्वर प्रभु यीशु ने उस कान को जोड़ दिया। और प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं कि जो तलवारों से जिए हैं वो तलवारों से ही मरेंगे। यही पतरस है जो मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार प्रभु यीशु का इनकार करता है। यही पतरस है जो यीशु से पुनरुत्थान के बाद मिलता है और यीशु उसको मछलियों से खिलाता है। और यही पतरस है जो विश्वास करके पेंतिकूस के दिन में उस एक कमरे में बैठा रहता है, जो पवित्र आत्मा को अपने ऊपर महसूस करता है। यही पतरस है जो मच्छी पकड़ने वाले से आदमियों को पकड़ने वाला बन जाता है, जो अपने मुंह को खोलकर कलाम बोलता है और 3,000 विश्वास कर लेते हैं। तो इस पतरस की जर्नी को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। एक आदमी जो काम करने में लगा है, एक आदमी जो मिरेकल्स विटनेस कर रहा है, एक आदमी जो प्रचार करने लगा है। एक आदमी की जर्नी, शायद ये जर्नी मेरी और आपकी भी हो सकती है। अचानक से हम एक दिन काम कर रहे थे, हमें किसी ने सुसमाचार सुनाया, हम एक्साइटेड हो गए, हम चर्च में आ गए, और चर्च में आने के बाद हमने अपने लाइफ में हीलिंग्स, मिरेकल्स, टेस्टिमनीज देखी, मगर न जाने कहीं हमारी लाइफ थोड़ी सी बीच में अनकंफर्टेबल होने लग गई। जब परमेश्वर हमें दबाने लग गया, हमें लगने लगा कि जो चीज़ हमने पहले देखी है वो अभी हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है। हम सवाल करने लग गए कि क्या ये सही परमेश्वर है नहीं है। और इस सवाल के कारण के ऊपर मैं आपका फोकस आज ले जाना चाहता हूं। मगर पतरस जब मैच्योर हो गया, सब बोलो मैच्योर। मैच्योर का मतलब आपको मालूम है। अब आराधना है, वो अपनी नानी की गोद में अभी सो रही है, छोटी सी है, सुंदर सी है। अब आराधना खेलेगी, घूमेगी, कुछ भी उल्टा सीधा वो करती है, हमें बड़ा क्यूट लगता है। अब सोचो आराधना 25 साल की हो गई है, वो अपनी नानी की गोद में उठ के सो रही है, आपको कैसा लगेगा? आराधना 25 साल की हो गई है और यहां पे
गोल गोल घूम रही है, गिर रही है, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही है, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जब हम बालक थे तो हम बालकों की तरह बात कर रहे थे, मगर जब हम बड़े हो गए तो हम बालकों की तरह बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपका विश्वास का जीवन भी है। जब हम छोटे से थे, परमेश्वर छोटी छोटी बातों में आपको फेथ देता है, छोटी छोटी बातें आपको सिखाता है, पकड़ता है, आपके हाथ को पकड़ता है, चलाता है, मिरेकल्स हम ज़्यादा देखते हैं। मगर जब हम मैच्योर हो जाते हैं, परमेश्वर की हमसे उम्मीद होती है कि तुम खड़े रहो, चीज़ें को अंडरस्टैंड करो, एक्सपीरियंस करो। पतरस यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात को बोलता है जो आजकल चर्च बात ही नहीं कर रही है, चर्च इस विषय पे बात ही नहीं करता। बड़ी खूबसूरती से, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर क्या उठाया, क्या उठाया, क्या उठाया, अच्छा, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान। तो इनफैक्ट जो दुख उठाना है वो एक हथियार है। हमारा गॉस्पल टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। आजकल जो बिक रहा है वो ये है कि मैं आपके शरीर को कैसे इंसेंटिवाइज करूं। इंसेंटिवाइज मतलब आपको कैसे इंसेंटिव दूं कि कैसे आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करो। अमीर होना कौन नहीं चाहता? कोई ऐसा है जो गरीब रहना चाहता है, दुखी रहना चाहता है, बीमार रहना चाहता है, झगड़े में रहना चाहता है? ऐसा कोई है हमारे बीच में? ऐसा कोई है जो दुख उठाना चाहता है? नहीं ना। ओके। जब पतरस मैच्योर हो गया तो वो उसकी जो सेवकाई थी, उससे पहले कि आप समझें कि वो किनको लिख रहा है, पतरस ने अपना सारा जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद जो अपना सारा जीवन था वो इज़राइल की सेवकाई के अंदर दिया। उसका काम ज़्यादातर यहूदियों के साथ था, पौलुस का जो काम था वो गैर यहूदियों के साथ था। तो पतरस यहूदियों को ये खत लिख रहा है और यूं कह रहा है कि दुख उठाना स्टार्ट करो, समझो दुख उठाना क्या है। बाइबल में आप एक आदमी को बता दीजिए शुरू से लेकर आखिर तक जिसने कभी दुख ना उठाया। अब्राहम ने 90 साल तक इंतजार किया एक वायदे का, एक वायदा जो उसको मिला वो इंतजार करता रहा 90 साल तक। क्या चमत्कार है। याकूब जो बाद में इज़राइल बना, वो अपनी तनख्वाह के लिए 14 साल इंतजार करता रहा, 14 साल। यहां लोग 14 दिन इंतजार ना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु तो काम नहीं कर रहा। दाऊद अभिषेक हो गया, गोलायत को मार दिया, उसके साल भी, उसके बाद भी इज़राइल की गद्दी के लिए 27 साल उसको इंतजार करना पड़ा। और वो जो बीच के 14-15 साल थे वो फिलिस्तियों के बीच में रहा पागल बन के। सबकी बात छोड़ दो, नबियों की बात छोड़ दो, यीशु मसीह को पकड़ो। परमेश्वर का बेटा पैदा कहां होता है? हाँ, आप में से कितनी माएं हैं जो अपना बच्चा किसी ऐसी जगह पर जन्ना चाहेंगी? क्यों? गंद में पैदा हुआ, लीद के बीच में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आप एक रात बिता के देखो ना, 7 दिन तक आप गुलाब जल से नहाते रहे तो मेरा नाम बदल देना। वो क्योंकि तस्वीरों में वो जो भेड़ है बड़ी क्यूट लगती है, सफ़ेद लगती है। आज तक मैंने कोई सफ़ेद भेड़ नहीं देखी, पीली होती है वो, और जब उनका पीलापन बढ़ जाता है वो ब्राउन हो जाती हैं। पता नहीं फेसबुक पे सफ़ेद कौन सी भेड़ है, मुझे नहीं समझ आती। आपको मिली होगी तो मुझे पकड़ लेना, एक मैं देखना चाहता हूँ। वो गंद है उनके ऊपर। उसके बीच में प्रभु पैदा हुआ। उन्होंने होश संभाला ही था कि उनके पिताजी, जो उनके संसार में यूसुफ उनके पिता थे, वो चल गए और वो बढ़ई का काम करने लगा अपने परिवार को पालने के लिए। 30 साल की उम्र में वो फ्री होता है, जब वो बंदा परफेक्ट हो जाता है वो सेवकाई के लिए जाता है। सेवकाई भी बड़ी मज़ेदार थी क्या?
वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लोग कहते हैं यहां से दूर जा। नाजरत में वो वचन का प्रचार कहता है, करता है वहां यहां से दूर जा। यरूशलेम में एक हफ्ते पहले उसके सामने अपने कोट्स बिछा रहे थे, वही लोग कहते हैं बारनबस को छोड़ दो, यस्सु को पकड़ लो। हफ्ता नहीं लगा लोगों का दिमाग बदलने में। यस्सु ने कितना दुख उठाया। मगर मेरा तकलीफ ये है कि आज चर्च का हो क्या रहा है, कैसे झूठे प्रचारक बिक रहे हैं, मतलब दे आर सेलिंग क्रिश्चियनिटी। सुनिएगा, कितने लोग पापा जी की फोटो को देखते हैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हुए, उस पर लाइक और आमीन भी डालते हैं। हमारे वाले नहीं डालते हैं, धारीवाल भरा हुआ है ऐसे इंटेलिजेंट लोगों से। पापा जी फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं और उसकी फोटो डाल रहे हैं और आप सब लाइक आमीन कर रहे हो। फिर हम सोच रहे हैं कि अगर मैं पापा जी की बात पे विश्वास करूंगा ना, तो मैं भी फर्स्ट क्लास में बैठ जाऊंगा, रिसीव कर लूंगा। एक फंडा है ना, रिसीव करो। मैंने प्रोफेसी रिसीव करी, मैंने प्रीचिंग रिसीव करी और सबके सब फर्स्ट क्लास में बैठ गए। पूछो जाके जो हजारों लाखों स्क्रीन देखने खड़े हो रहे हैं वहां पर जा रहे हैं, कितने लोगों ने जो रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठे। और ये फर्स्ट क्लास में बैठा कैसे है, तेल रुमाल बाकी चीजें बेच बेच के फर्स्ट क्लास में ऐसे बैठा है। सच मैं अगर बताने लगूं तो यहां स्कैंडल हो जाएगा, क्योंकि सच मुझे मालूम है, जब लोगों ने हमारा प्रचार सुना वो ऐसी जगहों से दूर हट गए, और जो गलत काम कर रहे थे पापा जी के नीचे उन्होंने गलत काम करना बंद कर दिया। तो ये बेचा जाता है इस चीज को कि आप मेरे तरी मेरी बातों पे विश्वास करो, मेरी लाइफस्टाइल पे आप चलोगे। मैं अगर आपको बताता हूं कि मैं 16 तारीख को हमारा ऊपर लेंटर पड़ा, मेरा काम मजदूरी का नहीं है, मगर मैं पूरे दिन यहां पर खड़ा रहा। नीचे राजन था और ऊपर राहुल और जेकब थे, इंद्रजीत की ड्यूटी तीनों जगहों के ऊपर थी, और बाकी हमारे सारे फ्रांस से सारी टीम यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे थे। हैप्पी था, मंगा भाई थे, सिस्टर नीलम थे, और भी रिंकल था, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, सबकी अलग अलग ड्यूटी थी। 16 तारीख को मैं यहाँ से शायद 9-10 बजे घर पहुँचा हूँ, 9-10 बजे घर पहुँचा हूँ, क्योंकि सीमेंट मेरे शरीर में इतना घुस चुका था कि मेरी तीन जगह पर छाले हो गए थे, क्योंकि मैं नहा पानी नहीं डाल रहा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। उन छालों के साथ मैं फिर अगले दिन वापस यहाँ पर आया। 4 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, 1 बजे या 2 बजे हम फरीदाबाद पहुँचे हैं। फरीदाबाद पहुँचने के बाद उसके बाद वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, वहाँ के स्ट्रगल स्टार्ट हो गए, ये मैनेज करो वो मैनेज करो। उसके बाद फिर हम वापस घर पर आए अगले दिन, उसके बाद कुछ और लोगों से मैं मिला। वहाँ से मैं कल चला हूँ कितने बजे, 2 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी, पानी से मुझे इशू हो गया था। रात को 2 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और फिर अभी मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मैं 5-स्टार होटल में भी गया, उसकी फ़ोटो मैंने डाली नहीं। मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो कभी 5-स्टार होटल पहुँचे नहीं, उनके दिल में रीस क्यों डालना, मैं क्यों उनको जलाऊं। कभी भी बहुत कम ही होता है कि मैं प्लेन की फोटो डालता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेन से भी जाता हूं, मैं बस से भी जाता हूं, मैं मोटरसाइकिल से भी जाता हूं, मैं रिक्शे से भी जाता हूं, डिपेंड करता है मैंने जाना कहां है। मगर उसको दिखा के क्या फायदा है, मैं दिखाऊंगा तब ताकि मैं विश्वास करवाऊं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर रिसीव करो उसको, तो आप पा जाओगे। तो ये जो रिसीव करना है ना, आजकल हो क्या रहा है, हम रिसीव किस चीज़ को कर रहे हैं, जो हमारे फ्लैश को मज़े दे रहा है। अब मैं बोलता हूँ मेरे दुखों को रिसीव करो, कितने लोग तैयार हैं 72 घंटे काम करने के लिए नॉनस्टॉप, जिसमें 4-4 घंटे की आपको नींद मिलेगी। करो रिसीव, नहीं करोगे ना, क्योंकि ये बंदा दुखों को रिसीव करने के लिए कह रहा है। मगर पौलुस क्या कह रहा है, पतरस क्या कह रहा है कि उसके दुख हथियार की तरह पहन लो। आजकल लोग चर्च में इसलिए बुलाए जाते हैं, आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ऐसा है आपकी जिंदगी में? जो जो गवाहियां यहां पर निकली हैं,
अगर मैं बता दूं कि लोगों की नौकरियां कैसे लगी, कितना फास्ट उन्होंने किया, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझ में आएगा। कितनी प्रेयर करी, कितनी बार वो यहां पर आके घंटों घंटों बैठे रहे और मैं ऊपर से उनको बस इतना बता के चला जाता था कि ये प्रेयर करनी है और हट जाता था। जिन लोगों के घर बन गए, वो घर कैसे बने किसी को पीछे की कहानी नहीं मालूम है, कितना दुख उसके लिए उठाया गया है। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। मैं ग्लोरीफाइड पिक्चर दे सकता हूं आपको, एक ग्लोरियस पिक्चर दे सकता हूं, मगर जो ग्लोरियस पिक्चर झूठ होगा, और झूठ का यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं विश्वास नहीं करता हूं मिरेकल्स पे? अगर मैं आज जिंदा हूं तो मैं मिरेकल हूं। अगर आप में से कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जिंदा हैं, यीशु मिरेकल करने वाला है, यीशु चंगाई करने वाला। यहां पर कितने लोग हैं जो चंगाइयों के साथ बैठे हैं जिसको परमेश्वर ने किया? हाथ देखना चाहता हूं। हालेलुया बोलो। कितने लोग पैसों से बढ़ गए, है ना? कितने लोग जादू टोने में थे, छूट गए? हालेलुया बोलो। कैम हुआ ये आपके साथ? तो यीशु वहां पे भी कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, मगर मैं उसकी गलत तस्वीर नहीं देना चाहता हूं। आज एक बहुत बड़ा चर्च है दिल्ली में, उसकी सच्चाई मैं आपको सुनाता हूं। वो चर्च थोड़े दिनों पहले तक बोलता था कि हम तेल पानी की सेवा नहीं करते, मगर आज संडे को मुझे बड़ा दुख है कि वो व्यक्ति एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर रहा है। चोर चोर, सुनते जाओ खेल। ये टेस्टिमनी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम समझें। एक लड़की है जिसको मैं जानता था, शायद हमारे जिस चर्च में हम जाया करते थे फरीदाबाद में, उस चर्च की थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब मैंने जब उसको देखा था, वो एक छोटी सी संडे स्कूल में जाने वाली लड़की थी, 2-3 साल की। मेरे को फरीदाबाद छोड़े हुए शायद 14 साल हो गए, तो अब वो 3 साल की लड़की 17 साल की हो गई। उसके लाइफ में ब्लड कैंसर आ गया। 4 हफ्ते पहले वो एक चर्च में गए, जहां पे चर्च में जाकर उसकी माता को बोला गया, आप रिपोर्ट लेके घोषणा कर दो, टेस्टिमनी दे दो कि मेरी बेटी का ब्लड कैंसर हील हो गया। 17 साल की लड़की है, 12वीं का एग्जाम दिया उसने। तो उसकी माता ने रिपोर्ट ली और घोषणा कर दी कि मेरी बेटी का कैंसर हील हो चुका है, टेस्टिमनी दे दी। पिछले संडे को उसका दफनाव था। वहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस गवाही को सुना, मगर उन हजारों लोगों को सच नहीं मालूम है। क्या ये पास्टर साहब उठ के खड़े होंगे और कहेंगे कि वो जो गवाही हमने दी थी उस दिन वो गलत है, वो बेटी आज 6 फीट कब्र के नीचे पड़ी है? वहां पर लोगों ने क्या समझा? पास्टर जी ने घोषणा करी और सब चंगे हो गए। 5,000 और खड़े हो गए कि भैया हमारे ऊपर भी घोषणा करो, करो करो करो, थूक दो कम से कम हमारे ऊपर। जब पास्टर जी ने प्रार्थना करी, उसी समय मैं हील हुआ। ऐसी तो गवाहियां बनाते ये। आपको मालूम है यीशु मंदिर में गया और मंदिर में चीजें उलट पुलट कर दी उसने। क्यों क्यों उलट पुलट करी? क्योंकि वहां पर मंदिर के विरोध में काम हो रहा था, वहां पर कुछ हो रहा था जो पैसे से लेना देना था। हमने भी अभी ऑफरिंग ली, मगर मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए तभी प्रेयर करूंगा जब आप पैसे देंगे, मैं तभी आपके लिए प्रोफेसी करूंगा जब आप पैसे देंगे। पैसे लेके प्रोफेसियों को चेंज किया जा सकता है। पैसे लेके कोई गलत काम कर रहा है ना आदमी, उसको सही ऐसी बातें बोली जा सकती है। थोड़ा सा टैक्स चोरी कर ले, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ब्राइब देने में क्या है, हम दुनिया में तो है ना। घूस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दुनिया में है, दे दे बेटा, दे घूस दे। क्या ये वचन है? कलीसिया के अंदर एक झूठी मार्केटिंग की दुकान चल रही है। हम लोग वो सारी टेस्टिमनीज को सुनते हैं, फिर हम जब यहां पर बैठे होते हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं कि दुख उठाओ, तुम सोच रहे हो आदमी क्या बोल रहा है, दुख उठाओ, दुख उठाओ। नहीं नहीं नहीं, बेकार बात बोल रहा है। मेरे को 2 दुख भरी कहानियां याद हैं। एक बार परमेश्वर मुझे एक जगह पर ले गया, चंबल के आगे, प्रार्थना के लिए।
मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर कोई होटल नहीं था और जो होटल था वो मेरे बजट से बहुत बाहर था। तो मैं एक ऐसे कमरे में रुका जहाँ का टॉयलेट, वहाँ पे सब लोग वो खाते हैं गुटखा। मैंने अभी भी फोटो है मेरे पास, मैं कभी शेयर करूँगा। तो वहाँ का टॉयलेट क्या था, पीत से भरा हुआ था। पीत समझते हैं, पूरा कलरफुल टॉयलेट। दीवारों का कलर ब्लू था मगर वो लाल हो चुका था। तो ऐसी एक जगह पर मैं रुका और वहाँ पर ना मैं दीवारों को टच भी नहीं करता था। मैंने बाहर से, मैं शायद एक चादर लेकर गया था, उस चादर को बिछा के ऐसे सोया, बेड में ऐसे भी नहीं मुड़ा प्रेयर के लिए। एक बार राजस्थान में एक जगह पर मेरे को जाना पड़ा और राजस्थान में गर्मी पता है दो तरफ से पड़ती है, नीचे से भी ऊपर से भी। नीचे जो पत्थर होता है वो भी तपता है, ऊपर से भी बड़ी तेज़ गर्मी आती है। और उसके बीच में मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर एक पंखा है ऐसा, वो भी बड़ा धीरे चल रहा है, नीचे से भी आग बरस रही है और एक घड़े में बस इतना ही पानी है। और मैं पानी फेंक भी नहीं सकता क्योंकि अगर पानी मैंने रोल दिया तो मुझे पानी लेने के लिए कम से कम 700-800 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। और जब तक मैं पानी रोल के सोऊंगा उसके ऊपर ना, बेड वेड भी नहीं है वहां पे, एक कमरा है। अब इसमें 5-स्टार प्रचार कैसे हो सकता, बिग रिवाइवल कैसे आ सकता है? मगर प्रभु की दया से ये कहानी 8 साल पुरानी है। आज दो बंदे उस गांव में से निकल के सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन, उस दोपहर को मैं मटके का पानी आधा रोल के उसके ऊपर सोया था। ये बातें ऐसे समझानी मुश्किल है, ये समझानी, इन बातों को समझाना मुश्किल है क्योंकि हमारे को इतनी बुरी लत लग गई है झूठ सुनने की कि हम सच और झूठ का फर्क कर ही नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं वो टेस्टिमनी हो रही है, वो टेस्टिमनी, और ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं रहता। अरे चर्च में सच बोलो, सच बोलो कि मेरी पीड़ हो रही है, मैं फिर भी आया हूं चर्च में क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे चंगा करेगा। मेरी किडनियां जवाब दे चुकी है मगर मैं फिर भी चर्च में बैठा हूं क्योंकि यीशु मुझे चंगा करेगा। बिग मिरेकल, हर संडे पंजाब में कोई ना कोई मुर्दा जिलाया जा रहा है, आपको मालूम है, किसी ना किसी गांव में। लोग ऐवे ही नहीं इनके पीछे पड़े, सच मालूम है उनको। कहां जाते हैं ये? मेरा सवाल है, मुर्दा जिंदा हुआ उसको चर्च ज्वाइन करना चाहिए? कहां जाते हैं ये? लार्जर, बेथनिया का लार्जर जिंदा हुआ, वो प्रचार करने लगा। हर संडे कोई ना कोई जिंदा हो रहा है, कहां जा रही है? हर संडे किसी की आंख रही है, कोई लंगड़ा चलने लग रहा है, कोई गुंगा बोलने लग रहा है, कोई बहरा सुनने, बहरा बोलने लग रहा है, गुंगा सुनने लग रहा है, ये कहां गए? ये कहां गए? हम इसके ऊपर कभी सवाल क्यों नहीं करते? विश्वास ने, ये जो अंधविश्वास है उसने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है और हम सब लड़ रहे हैं। नहीं सही है, अरे भाई साहब आपको पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पता नहीं। जो ईमानदार कलीसिया है वो दम तोड़ रही है इन झूठे मक्कार लोगों की वजह से। जिन लोगों ने साइकिल में सेवकाइयां स्टार्ट करी थी उनकी कलीसियाएं दम तोड़ रही हैं क्योंकि ये झूठे लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। और हमारी तकलीफ ये है कि हम सच सुन के भी चुप रोके बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनना, धारीवाल के अंदर एक टीम छोड़ी जा चुकी है ताकि वो हमारे चर्च वालों का दिमाग खराब करें। मुझे पता है उनके पास इतना टाइम नहीं, मतलब इतना टाइम है कि वो ये सब काम करने में लग गए। पहले उन्होंने जादू टोना कर लिया, उनको देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब वो दूसरा काम कर रहे हैं। ये बातें बोलेगा पास्टर जी कैसे साबित करूंगा? समय आएगा, हम सब देखेंगे, क्योंकि जैसा कलाम कहता है हिसाब सभी ने देना है। आज नहीं तो कल ये हिसाब देके जाएंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। दुख उठाओ, दुख उठाओ। क्यों नहीं हम बातें करते, क्यों नहीं हम अपना दुख शेयर करते? क्योंकि चर्च के अंदर ये ग्लोरिफिकेशन का एक काम चला हुआ है। हर कुछ बहुत सुंदर होना चाहिए, सो ब्यूटीफुल। 10 साल से
ग्रेस, अनुग्रह 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 प्रचार कर रहा है। मैं सोच रहा हूं टीवी पे हर रोज आके अनुग्रह की बात क्यों करता है भाई ये बंदा। 10 साल के बाद पता चला कि 5,000 के चर्च का पास्टर बच्चों के साथ गलत काम करता था, इसीलिए उसको हर रोज अनुग्रह का प्रचार करना पड़ता था, क्योंकि बाइबल सच की किताब है, पकड़ने के लिए दम लगता है। तो पहले अपने आप को प्रचार करो, अनुग्रह अनुग्रह हाइपर ग्रेस। जो 5,000 उस चर्च में आए उनके दिमाग पे क्या हो रहा है, और जो 5 करोड़ बाहर से देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। बिना टेस्टिंग के हम हीरोज बना रहे हैं। पतरस की कहानी आप सुनो, कितना टेस्ट हुआ ये आदमी, कितनी उतार चढ़ा। आपको क्या लगता है पतरस की गलतियां क्यों मेंशन है बाइबल में, दाऊद की गलतियां क्यों मेंशन है बाइबल में, मूसा की गलतियां क्यों मेंशन है बाइबल में, अब्राहम की गलतियां क्यों मेंशन है बाइबल में? ताकि इनकी गलतियों से हम सीखें। हम में से कोई गलतियों से परे नहीं है, मगर इस दुख के अंदर भी, इस गलती के अंदर भी परमेश्वर हमें बचा लेता है। आज कलीसिया शरीर की कलीसिया बन चुकी। अगर मैं यहां पर चीख के कहूं कि कितने लोगों को मिरेकल मनी चाहिए, वैसे आपको नहीं चाहिए होगी तो सब लोग हाथ उठा लेंगे मिरेकल मनी। गुरदासपुर में एक भाई साहब है, उनके चर्च में 2 करोड़ की मिरेकल मनी आ चुकी है। जाओ आप। मैं जब से 6 साल से जलंधर में सोना नहीं गिर रहा, क्या हो गया, परमेश्वर ने सोना भेजना बंद कर दिया? 6 साल पहले एक बंदा आया था गोवा से, उसने कहा अगर परमेश्वर सोना डालता है ना तो नकली नहीं हो सकता। उस दिन से सोना बंद। अब डिग्रियां चल रही हैं, डिग्री डॉक्टरेट, उनको पहले बताओ डॉक्टरेट की स्पेलिंग पूछो उनसे। फर्जी किसी भी जगह पे जाके टोपी पहन के डिग्री ले लो, और सारे लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, मतलब क्या हो क्या रहा भाई, हो क्या रहा है। कितने लोगों ने ईमानदारी से डिग्री कमाई है, कितनी मेहनत लगी डिग्री कमाने में है? मतलब माड़ा मोटा जो भी हमें आता था हमने लिख दिया, रातों को जैसे भी पढ़ाई करनी थी कर ली। अब सोचो हम यहां पे किताबें घिस रहे हैं और कोई बंदा जाके डॉक्टरेट ले आए, वो भी किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से नहीं, जिस यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता किसी की, मतलब उस, मैं कहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लेके दिखाओ, आज तक उसने किसी को ऑनररी डॉक्टरेट नहीं दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली छोड़ो, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके दिखाओ, वो देते ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। मेहनत करो लेके जाओ। मैं जानता हूं कैम्ब्रिज ने अमिताभ बच्चन को डॉक्टरेट दी, वो भी पता है क्या, मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वो एक्टिंग करते थे, उनको एक्टिंग की डिग्री मिली। ऐसे कई सारे लोगों को डिग्रियां मिली हैं, मगर ये कौन सी डिग्री है जिसको, जिस यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता और आप वहां की डिग्री लेके आ गए, और जनता ताली भी पीट रही है। हो क्या रहा है? आपके दिल में कभी सवाल नहीं आता ये हो क्या रहा है? ये मार्केटिंग हो रही है और लोग इस मार्केटिंग के शिकार हो रहे हैं। गलत गवाहियां, फैब्रिकेटेड गवाहियां आप सुन रहे हो। विश्वास कैसे आता है? और जागो, विश्वास कैसे आता है और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन सच्चे हैं या झूठे? क्या है? पक्का? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मसीह ने अपना दुख पूरा मेंशन किया कि उसको कितने कोड़े पड़े, कैसे उसने कहा ना अपना सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। कितने लोग लकड़ उठा के चल सकते हैं 1 किलोमीटर? वो बल्ली पड़ी है लेके जरा आज घर तक लेके जाना, कर वापस लेके आना, देखो कितने मजे आते हैं। मैं तो सोचता हूं पैदल भी नहीं, मोटरसाइकिल पे लेके जाओ, फिर देखो कितने मजे आते हैं। वो यूं कहता है अपना सलीब उठाओ मेरे पीछे चलो, मतलब कितना हार्डवर्क करना है वो जो रास्ता सकरा है उस पे चलने के लिए। और ये वक्री स्टोरी बनाए पड़े हैं, वक्री टेस्टिमनीज हो रही हैं। अब ये जब झूठी गवाहियों को आप सुनते हो और झूठी बातों को सुनते हो, लोग सालों से वहां पर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में तो ये हुआ नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सच नहीं मालूम, सच उन्होंने सुना नहीं।
सच किसी ने उसको कहा नहीं। आज ये जो बात है मैं इसको आपको बताना चाहता हूं, शरीर को शैतान ग्लोरीफाई, मतलब शरीर को आप भाव दिए जाओ। कितने लोग यहां गर्मी, कितने लोगों को गर्मी लग रही है? अरे कितने लोगों को गर्मी लग रही है, ईमानदारी से बता, लग रही है ना? आपकी रूह को गर्मी लग रही है? नहीं, आपके शरीर को गर्मी लग रही है। आपका जो पसीना बह रहा है आपके सर से बह रहा है, मगर जो तकलीफ आपके शरीर को हो रही है उसका असर सीधा आपकी रूह पर पड़ रहा है। मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि एसी लगाने का एक तरीका है। आप अगर फर्ज करिए यहां पर एक एसी लग जाए, सारे के सारे हम अपनी कुर्सियां छोड़ के इस एसी के नीचे बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। कितना टाइम लगेगा आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए एक एसी के चक्कर में? उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है। झूठ प्रचार कराया जा रहा है, झूठ बुलवाया जा रहा है। आज हम अपने आप को समझाएं कि जो दुख उठाना है ये मसीह जीवन की एक सच्चाई है। क्या कलाम क्या कहता है कि जब तुम लुच्चपन में नहीं जाओगे, उल्टे सीधे काम नहीं करोगे, जो दूसरे हैं ना वो तुम्हारे को गालियां देंगे, तुम्हारे को उल्हाना देंगे, तुम्हारे को नेपुट डाउन करेंगे। ऐसी जगहों से हम होकर गुजरे हैं। मेरे पिताजी की लाश पड़ी हुई है कॉफिन के अंदर, मेरे रिश्तेदार ये दीवार है दीवार पे देख के बाहर वहां से गायब। बच्चन कहता है जो आदमी के ऊपर विश्वास रखता है वो श्रापित है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है वो आशीषित है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चला, मेरे पिताजी की लाश भी पड़ी है, मेरे रिश्तेदार भी छूट गए, अब मैं कहां जाऊं? मगर प्रभु का धन्यवाद है वो दिन गया और आज का दिन गया, उसने मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ा है। आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, प्रभु आपके लिए उससे बढ़कर करने वाला है। आपको क्या लगता है जितने लोगों ने अपनी जानें गवाई हैं प्रभु के लिए? मैं पिछले हफ्ते पढ़ा रहा था कि स्टीफन को पत्थर लगा और वो मर गया, और आसमान में पता क्या होता है, परमेश्वर अपनी कुर्सी छोड़ देता है। जो कुछ भी नहीं हिटा सकता, जिसको कोई नहीं हिला सकता, जो कभी नहीं टलता, वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को रिसीव करना चाहता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने शरीर को थोड़ा दबाओ। आप फर्ज करिए सड़क पर से जा रहे हैं, बारिश हुई है, और कोई अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है और आपके ऊपर कीचड़ उड़ा के चला जाता है। आपके दिल में सबसे पहला इंप्रेशन क्या आएगा? तेरी छोड़, रुक मैं तुझे बताता हूं, ये आपका शरीर है। आत्मा में अगर हम चलेंगे तो जब पहले कीचड़ पड़ गया तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि प्रभु चलो ये मेरे एक ही जोड़ी कपड़ा था, ये खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। शायद मन टूटेगा कि ये तो नए कपड़े निकाले थे मैंने आज चर्च जाने के लिए, ये क्या हो गया। आप उसी कपड़ों के साथ शायद चर्च पहुंचोगे। ये मेरे साथ हुआ है, बड़ी दुखी कि यार मैंने आज नई शर्ट खरीदी थी, कीचड़ उड़ा के कोई चला गया, अब मैं क्या होऊंगा। अचानक से जैसे ही आप चर्च पहुंचते हो आपको 5 शर्टों के पैसे कोई देके चला जाता है। अगर मैं झगड़ा झुगड़ी में वहां रुक जाता, ओ मैं तेरे को सर फोड़ दूंगा, मैं तेरे टांग तोड़ दूंगा, तो वो जो मेरी आशीष मेरे लिए रखी हुई थी शायद वो निकल जाती। अगर नुकसान हो रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद। यही है, यही जो डिफरेंस है, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। रोमियो की किताब में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। अगर आपको बीमारियों में से निकलना है, जादू टोने में से निकलना है, गरीबी में से निकलना है, कर्जे में से निकलना है, एक ही रास्ता है, परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर हुकूमत करने दो। शरीर की मत सुनो, शरीर की मत सुनो, शरीर आपको घुमाता रहेगा। कितने लोग हैं स्कीमें लगा लगा के थक गए फिर भी बन कुछ नहीं रहा। हर रोज आपके पास एक नई स्कीम होती है, आप एक नई स्कीम लगाते हैं
और वो नई स्कीम फेल होती है, ना तो बल से ना शक्ति से। थोड़ा सा अपने शरीर को बोलो, तू थोड़ा पीछे बैठ, पवित्र आत्मा को चलाने दे, दुख उठाओ, दुख उठाओ। सोचो जब एक अंगूर का गुच्छा पेड़ पे लटका हुआ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यीशु मसीह कहता है कि तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं, मेन वाइन, आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। आप ब्रांच हो और मैं ट्रू वाइन हूं, और जब ये डालियां मुझ में जुड़ी हुई होती हैं, वो फल लाती हैं। वो जो फल डाली में से लटक रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि कोई मुझे तोड़ेगा और तोड़ के शोकेस में रखेगा। फल की मनसा ये है, मगर फल को नहीं पता कि जब तू आएगा तो टूटेगा, तू एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां पे तुझे कूटा जाएगा, तेरा जूस निकलेगा, और जब तेरा जूस निकलेगा ये बहुतों को शांत करेगा। आप समझ नहीं रहे, शायद आपका बैंड कहीं पे बज रही है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाओ, प्रभु तूने क्यों किया, जैसा इज़राइल ने किया, और 40 साल तक कुड़कुड़ाते रहो, या आत्मा में कहो प्रभु शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। पौलुस क्या लिखता है, मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि मुझे चंगा कर, परमेश्वर ने कहा क्या, कहा जो पौलुस मुर्दे जिला रहा है, जिस पौलुस के हाथ में सांप ने काट लिया और वो सांप का कटा हुआ हाथ माल्टा के सरदार के सरदार के बाप के ऊपर रखता है, वो जिंदा हो जाता है, लोग कहते हैं ये कोई देवता है, वही पौलुस कहता है प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु कहता ना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कुछ कांटे आपके जीवन में जरूरी हैं ताकि आपका न्याय दूसरों के साथ ना हो, उन कांटों को सहलो, उनके ऊपर लेटना सीखो और उनको एंजॉय करो, उस दुख के हिस्सेदार बनो ताकि वो हथियार की तरह काम आए। क्योंकि जब टूटा हुआ आदमी प्रार्थना करता है ना, उसकी प्रार्थना में बड़ा बल होता है। दुख परमेश्वर की तरफ से कई बार आते हैं। हन्ना की सौतन थी पिनाइना, वो हर साल कैलेंडर की तरह एक बेटा छाप रही थी अपने पति के मुंह पे, और यहां पर दूसरी सौतन है जिसको मतलब ओपनिंग भी नहीं, अकाउंट भी नहीं खुला है। हर साल हन्ना का पति और पिनाइना दोनों मिलके एल्कना और पिनाइना जा रहे परमेश्वर के घर पे धन्यवाद देने, बेटा हुआ जी, बेटी हुई जी, यहां पे वो सड़ रही है। तो उसके दिमाग में आना नहीं चाहिए परमेश्वर मैं हूं चर्च नहीं जाना, मैं ताडे नाल गल भी नहीं करनी, मैं रोजा भी नहीं रखना, बाइबल तो पाड़ के। हाँ जी, जितनी हन्नाएं यहां बैठी हैं, जितने पुरुष हन्ना यहां बैठे हैं, दूसरों को दे रहा है, मुझे नहीं देता यार, उनसे ये कह रहा है। हन्ना ने हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा, दुख के साथ टूट के रोने लग गई। परमेश्वर ने पहला समुएल जो पहला भविष्यवक्ता है उसकी कोख से दिया, ये दुख का बच्चा है, ये दुख से पैदावार हुई मिनिस्ट्री है। मैंने आज तक असरदार सेवकाइयां पता है कहां देखी हैं, जहां बिल्डिंग भी नहीं है, टूटी हुई छतों के नीचे, झोपड़ियों के नीचे। हमारी एक फोटोग्राफ है मेवला महाराजपुर की, मैं दिखाऊंगा कभी आपको, जहां पर हम एक गंदे नाले के बगल में कांटों के बीच में मैं और सिस्टर बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ सेवकाई कर रहे हैं। वैसा पावरफुल मिनिस्ट्री मैंने कहीं और नहीं देखा। मैं दिखाऊंगा वो फोटो, हम आपको मेरी फेसबुक पे मिलेगी। हमारे पास छत भी नहीं, एक दरी है हमारे पास बस, वो दरी शायद चर्च में होगी, लाल कलर की फटी हुई सी दरी है। दुख के साथ, कोई ग्लोरी नहीं है उसमें, कोई लखूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है। यशाया यीशु मसीह को भविष्य में देखता है कि इसके अंदर तो कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, और ये मेरा बचाने वाला है। मैं चाहता हूं आज अपने नजरिए को चेंज करो। ये जो ग्लोरी मार्केटिंग टीवी के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चल रही है, इस झूठ को तोड़ो, सच सुनो, सच बोलो, देखो
परमेश्वर कैसे काम करता है। इस कलीसिया के अंदर ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जिनको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो स्कैंडल हो जाएगा, स्कैंडल हो जाएगा, मगर प्रभु करने वाला है। हम कई बार इस दुख से, दुख को झिड़कना चाहते हैं। मैं आज आपको बताता हूं, ये दुख आपके फेथ को इंक्रीज करने का पावर है। मेरी बात सुन, इसका इस्तेमाल कर। इससे जो अग्रेशन पैदा होता है ना, दुख से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, वो हमारी प्रार्थना का फ्यूल है। उस जिद को इस्तेमाल में लेकर आओ और देखो परमेश्वर तुम्हारे जरिए से बड़े बड़े काम करता है कि नहीं। दाऊद के मैक्सिमम भजन तब लिखे गए हैं जब वो भगोड़ा था। मैंने दुख उठाया है, मैंने फायदा भी काटा है। तुम दुख के साथ बोगे, वचन कहता है तुम दुख के साथ बोगे, हंसते हुए काटोगे, तो क्या भला है। झूठी गवाहियां सुन के आई रिसीव घोषणा और पता नहीं क्या बकवास करना, या सच का सामना करना कि आज मेरी प्रॉब्लम यह है, मगर मैं जानता हूं प्रभु मुझे निकालने वाला है। एक दूसरे के दुखों को, दुख छुपाने की बात नहीं है, एक्सपोज करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में है, मगर यह बीमारी चल रही है, मगर मैं जानता हूं इस बीमारी में से मैं निकल जाऊंगा। ये गरीबी मेरी लाइफ में आ गई है, मगर मैं निकल जाऊंगा। ये नुकसान मेरी लाइफ में आ गया है, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर करने वाला है। अपने शरीर को आज ग्लोरीफाई होने मत दो, अपनी आत्मा से चलो। और ये करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। हमारा काम क्या है, साबी के घर में क्या चल रहा है, अच्छा कितनी बहनें हैं, कितनी शादियां हो गई, कहां से, अच्छा अब इसकी 3 बहनों की शादी बाकी है। मेरे फूफे का लड़का है चंदू, चल साबी मेरे घर आ जा, थोड़े बर्तन धो दे, चंदू से शादी करवाता हूं तेरी बहन की। ये तो हमारे सोचने का तरीका है। हम ये क्यों नहीं सोचते, मैं इस एक बेटी की मदद कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे एक घर को बसा रहा हूं, परमेश्वर मेरे घर को बसाएगा। मैं एक आदमी को जो मुसीबत में पड़ा है उसको एनकरेज कर रहा हूं, चल 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 कोई बात नहीं, चल चल आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। अच्छा ये आदमी चर्च में ज्यादा आगे काम कर रहा है, किसी लड़की का नंबर दे देता हूं इसको, बात करने लगेगा, ये पीछे हो जाएगा, मैं आगे हो जाऊंगा। आज हमारे शरीरों को मरना है और हमारी आत्मा को जीना है, और ये दुख उठाना हमारा साइकिल होना चाहिए। घबराना नहीं है, ओ बड़े पास्टर, बिग रिवाइवल, बिग टेस्टिमनी, ये सारी आ रही हैं। आप हौसला रखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, उनको देख के नहीं। मेरी किताब वखरी है, मेरी किताब वखरी है, ये बात याद रखो। आपकी कहानी वखरी है, आपके फिंगरप्रिंट्स वखरे हैं, आपकी सो धड़कने वखरी हैं, तो आपकी जीत भी वखरी है, आएगी ज़रूर। कलाम कहता है तुम यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हो। खाली जीतेंगे नहीं, झंडा गाड़ दोगे अपना। वो काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं जानता हूँ ये अनपॉपुलर प्रचार है, मगर ये सही प्रचार है। दूसरों को देख के अपनी जिंदगी की दिशा डिसाइड मत करो। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि के वसीले से अपनी दिशा डिसाइड करो। वो रूह दी है, उस रूह को कहो कि परमेश्वर आज मुझे लीड कर, वो मुझे गाइड कर, पिता मुझे रास्ता दिखा, मुझे सही जगह के ऊपर रख परमेश्वर, मुझे ईमानदार रख तेरे साथ, मुझे विश्वास में रख परमेश्वर, मुझे बरकत में रख परमेश्वर। मैं चाहता हूं वो गीत गाएंगे, दुखा दे वेले, आज जितने लोग दुखी हैं और वो विश्वास कर रहे हैं कि ये दुख प्रभु आज हटाने जा रहा है, जितने लोग आज तकलीफ में हैं और वो विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आज आपका जवाब देने जा रहा है, मैं चाहता हूं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज दुखों के वेले प्रभु हमारे से बात करेगा। आज हम दुखों के साथ डील करना सीखे, समझौता नहीं करना,
मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे यूँ कहता हूँ, उससे समझौता नहीं करना। मैं आज किसी को कहता हूँ, तू यू आर नॉट सपोज टू लिव इन कॉम्प्रोमाइज विद योर सोरोज बट यू आर कमिंग आउट ऑफ विद अ विक्ट्री, कि तुम अपने दुखों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बैठे हो मगर जय के साथ तुम बाहर आने जा रहे हो। हालेलुया। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। आज अपने दुखों को कहो मेरा यहोवा मेरी दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। दुखों को कहो कावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे, कावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे। चंडा करांगे ऊंचा अपने खुदा बददा, चंडा करांगे अपने खुदा बददा। इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। सुनो सुनो कलाम क्या कहता है कि दुखों को हथियार की तरह ग्रहण करो। फर्ज करो, जितने मुंडे हैं वो बता सकते हैं, तुम्हारे पास AK-47 की लाइसेंस है तो क्या करोगे? लटकाए लटकाए, मतलब टॉयलेट भी जाना है तो 47 लेके जाना। हाँ जी मुंडियो, जिन्हां दे कोल हथियार होंदा है वो पहला हथियार विखाउंदे हैं। वो बेवकूफ़ आदमी है वैसे, मगर मुझे नहीं समझ आता, वो शस्त्र टांग के पहले पहुँचते हैं, शस्त्र विखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस दुख को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाम क्या कहता है? ये हथियार की तरह इसको पहन लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पतरस कह रहा है, इसको हथियार की तरह। ये दुख तुम्हारे लिए हथियार है। जितने लोग आज तक ये प्रार्थना करते रहे, ये हथियार है तुम्हारा, इसका इस्तेमाल करना सीखो। ये जो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर आ रही है, जो गुस्सा तुम्हारे अंदर आ रहा है, इसका सही इस्तेमाल करो, इसको सही दिशा दो। ये शैतान की छुट्टी कर देगा तुम्हारी लाइफ में से, तुम्हारी क्या तुम्हारे आने वाली पुश्तों में से। जितने लोग आज तक ये प्रेयर, आज से अपनी प्रार्थनाओं को अलग करो कि खुदावन मेरा दुख शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जानता हूँ ये मेरे छुटकारे के लिए, मेरे परिवार के छुटकारे के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ियों के छुटकारे के लिए तूने मेरे को दिया है। मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं प्रार्थना करूँगा, मैं जोर लगाऊंगा, मैं धक्का दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं पीछे नहीं हटने वाला।